जय जगन्नाथ। स्वागत जनाउछि आपण मानंकु हमर यूट्यूब चैनल टेस्टी टूर को। चलंतु आज देखिबा किपरि बनेबि अटारे एक नुआ प्रकार जलखिया जहाँ आपण पिला मानंकु टिफिन रे मध्ये दे परिबे एवं घरे मध्ये जलखिया रे खाइ परिबे। एही रेसिपी टेस्टी सहित बहुत मध्ये हेल्दी हि थाए। तबे चलंतु डेरी करिबानी स्टार्ट करनबा। देखंतु आज मु एठारे किछि सिझा आलू नेछि, आकु मु ग्रेटर रे ग्रेटर करनेबि। मु पांचटी सिझा आलू नहीं ग्रेटर कर नेली। एबे एथरे मु मसला बनिया पई किछि प्याज कैप्सिकम एवं टमाटो नहीं किछि पनीर नहीं ताकु मु ग्रेटर कर नेबी। एबे मु पैन रे किछि तेल गरम कर नेछि, एबे सेथरे प्याज पकि नेबी। प्याज को टिके समय भाजी देबी। एवं गोटे साइड रे कैप्सिकम एवं टमाटो पकई नेबी। एबे सेथिरे स्वाद अनुसार किछि लुण पकई नेछि। एहाकु टिके समय पई फ्राई करनबा। एबे मो ग्रेटर कर रखिथिबा आळू को मध्ये एथिरे पकेइ नेबी। सबुतक को मिसेइ नेबेनी, प्रथमे अलगा अलगा करी टिके समय पई फ्राई करनेबे। एथिरे स्वाद अनुसार हळदी पकेइ नेछि, बेसी हळदी एड करिबेनी, हाफ चमच हळदी एड करछि मु। एबे सेथिरे छि आउ टिके लुण पकेइ नेछि। एबे स्वाद अनुसार लंका गुंड पकेइ नेछि। हाफ चमच गरम मसला पाउडर पकई किछि आमचूर पाउडर पकई नेछि। एबे किछि मो पनीर रो ग्रेटर कर रखिथिबा पनीर को किछि पकई नेबी। आउ मु रखिछि ताको गार्निशिंग करिया बळे यूज करबी। एबे मु सब तक मसला को भलसे गोळे नेबी। एबे सेतरे आळू को मध्ये गोळे कि टिके सम पई फ्राई कर नेबी। केते गॉर्जियस लागुची, केते सुंदर कलर भी मध्ये आसी। एई पूरी भाबरे आमे स्टफिंग मसला को रेडी करनबा। एबे हा रेडी हि जैछि। एबे आमे रोटी बनेबा। देखंतु मठरे अट्टा को चकटी के रखितली। एबे बडो साइज रो गुला नेछि, एबे ताकु मु बेली नेबी। अट्टा को सबोले बनिया पूर्व ताको चकटी के समय पर रखि ने बहुत सफ्ट होता है। ये मो प्लेट साहय गोल आकार काटनी से मुझे सेजन चटनी पकेबि। गोटे चमच सेजन चटनी नहीं लगे नेबी। एबे किछि ग्रेटर कर रखी चीज पकई नहीं चीज नथले ऑप्शनल आपण बिना चीज रे मध्ये बनि परिबे। एबे ता उपरे मु किछि पनीर ग्रेटर कर रखथिल ताकु पके नेबी। एबे ई सब को पके सरला परे मु एठरे मसला को स्टफिंग करबी। एबे जो आळू आ मसला रेडी कर रखथिल ताकु स्टफिंग दे देबी। को भरी की स्टफिंग देबे, कम देबेनी। गोटे साइड रे भलसे भरी की देने दे देबे। तापरे ताको किछि उपरे चीज पके नेबी, तापरे किछि पनीर ऐड कर नेबी, तापरे रोटी को फॉल कर नेबी। देखंतु एही परि भाब रे करि म ताको तावा रे फ्राई कर नेबी। एबे इहा गोटे साइड भलसे हे सरला परे ताको पलटेबे, बार बार पलटेबेनी। गैस रो फ्लेम को मीडियम रखिकी फ्राई करिया पड़बो। ए
ଏଠି ମୁଁ ଏଠାରେ କଞ୍ଚା ରୁଟିରେ ବନେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ତା ସେମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ହି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ଆସିଛି ଭଲସେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲସେ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ନେବା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରୁଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେକି ନେବି ତାୱାରେ। ଏବେ ସେକି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଭରିବି। ଏଠାରେ ସେଜୱାନ ଚଟଣି ଲଗାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପନିର ଏବଂ ଚିଜ୍କୁ ମିଶାଇକିନା ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଭରି ନେବି। ଏବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପନିର ଓ ଚିଜ୍କୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେବି। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଓଲଟାଇ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ସେ ତାୱାରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଥରେ ଆପଣ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।